गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में? ओके तो हम कर रहे हैं मार्च 22 एमटीपी, ठीक है? हाँ जी, इसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कर रहे हैं. यस, रीजनिंग. देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज दिस. ध्यान से देखिएगा सीरीज को, 11 के बाद 10 एंड देन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन 27, 66.5, 198.5. वैल्यू देखो पॉइंट पे गिवन है और जल्दी जल्दी वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न मिल सकता है. तो एक बार चेक कर लेते हैं, 66.5 और 198 में कोई रिलेशन है क्या? हमने किया 66.5 इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो 133 आ रहा है. 66.5 इसकी मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो 66.5 इसकी मल्टीप्लाई 3 से करके आ रहा है 199.5. लेकिन अगर हम इसमें से माइनस 1 कर दें तो 198.5 आ रहा है. तो पैटर्न तो बन गया हमारा, राइट? तो इधर वैल्यू आ रही है इनटू 3 माइनस 1 करके. इसे नेक्स्ट वैल्यू हम चेक करते हैं, 27 और 66 कोई रिलेशन है क्या? 22 इसकी मल्टीप्लाई जब हम 3 से करते हैं तो 66 आ रहा है. 27 इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो 54 आ रहा है. तो 27 अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू है ना, एक बार हम 2.5 से लेके देख लेते हैं. तो 2.5 से मल्टीप्लाई करके, 27 की 2.5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है 67.5. तो माइनस 1 कर देंगे तो 66.5 आ रहा है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2.5 से और फिर माइनस 1. तो क्या हम एक बार 0.5 वैल्यू ऐड करके देखें? चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. फर्स्ट वैल्यू इंटू 1, माइनस 1 किया तो 11 इंटू 1 माइनस 1 10 आ गया. अब 10 इंटू 1.5 माइनस 1 करते हैं, 10 इंटू 1.5 15, 15 माइनस 1 यहां एक बार वैल्यू होनी चाहिए 14, एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं. अब 14 इंटू 2 माइनस 1 करना, यस 27, और आगे की वैल्यू हमारी पैटर्न फॉलो कर रही है. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 14. डन. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कम्स एट लास्ट प्लेस आर यू. आर देखिए 18 प्लेस पे, 21, 24, उसके बाद तीन तीन वैल्यू ऐड होती जा रही है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ जी. तो क्या आंसर हो जाएगा? जी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड की वैल्यू 52 गिवन है. अब देखो जेड हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 26. वैल्यू 52 चाहिए तो क्या कर देंगे हम? इनटू 2, राइट, एक्चुअल पोजीशन इनटू 2. इधर चेक करते हैं, 1 3 20 कितना हो गया? 24. इनटू 2 किया, क्या वैल्यू आ रही है? 48, राइट. बी हमारा हो गया सेकंड फर्स्ट 20. सॉल्व करके देखा कितनी वैल्यू आ रही है, 23. इनटू 2 किया, 46 हमारा आंसर. डन. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. रोज इज कोडेड एज दिस, चेयर इज दिस, ब्रिज इज दिस, व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च. जब भी ऐसे दो तीन वैल्यू गिवन हो 90% डायरेक्ट कोडिंग मिलती है. चेक कर लेते हैं, एस के लिए देखिए क्या कोड यूज किया हुआ है. एस के लिए कोड यूज किया हुआ है 2, लिख लेते हैं हम 2. ई के लिए हो गया 1, ए के लिए 4, आर के लिए 6, सी के लिए 7 और एच के लिए हो गया 3. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 6 7 3, ठीक है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई हमें दे रखा है 5, रीड हमें गिवन है 7. चेक कर लेते हैं आर की पोजीशन क्या है, 18, ई 5, ए 1, डी 4. सबको हम ऐड करके देखते हैं, देखते कितनी वैल्यू आ रही है. ये वैल्यू आ गई 28, लेकिन वैल्यू क्या दे रखी है? 7. कुछ पैटर्न पहचान पा रहे हो? देखो 1 2 3 4, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 7. तो जितने अल्फाबेट है उससे डिवाइड किया हुआ है ना, देखो, क्योंकि हाँ ई की पोजीशन 5, 5 डिवाइड बाय 1 किया, ये वैल्यू आ गई 5. तो सेम पैटर्न हमारा इधर हो जाएगा. डी कौन सी पोजीशन पे है? 4, ई 5, ए 1, आर 18. तो ये वैल्यू आ रही है 28, लेकिन यहाँ 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, तो डिवाइड बाय 4, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 7. क्लियर. चलिए जी, अगर यहाँ 6 वैल्यू होती, 5 वैल्यू होती तो उतने से डिवाइड कर देते. नेक्स्ट देखिए, एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी. ये कह रहा है एम इज ईस्ट ऑफ डी, एम इज ईस्ट ऑफ डी,
एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, तो एम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, एम इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, तो आप बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ, सबसे पहले 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया एंड देन टर्निंग टू, यहां कुछ मिस्टेक है, ये कह रहे हैं टर्निंग टू डैश एंड अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो एक बार हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं देन टर्निंग टू हिज राइट, ठीक है, और 40 किलोमीटर वो गया, एक बार देख लेते हैं, ये साइक्लिस्ट को 30 किलोमीटर नॉर्थ, यहां से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 40 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वो 20 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड गोस 40 किलोमीटर, तो हमें बताना है हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये डिस्टेंस 20 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय फ्रॉम हिज होम फर्स्ट वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये बार डायरेक्शन हम बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, क्या कह रहे हैं 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सबसे पहले यहां गया 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एंड देन 20 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इधर आया 20 साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगेन साउथ ईस्ट डायरेक्शन 20 मीटर, फाइनली टर्न टुवर्ड हिज होम, तो हमें बताने कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट, ये हमारा आंसर, क्लियर है। चलिए जी बढ़ते आगे, राजू लीव हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, सबसे पहले 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया, यहां से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 12 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड 12 किलोमीटर एंड द टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो बता सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये था और कौन सी डायरेक्शन में है 12 प्लस 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, डन। हाँ जी क्लियर है, यस। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अ चाइल्ड गोज 50 मीटर टुवर्ड साउथ, सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में गया 50 मीटर, देन टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 50 मीटर, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट गोज 30 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 50 मीटर, हाउ फार इज इट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, देखो इनिशियल पोजिशन उसकी ये है, फाइनल पोजिशन ये है, तो देखिए कितना गैप है 50 प्लस 30 80 गैप आ जाएगा, राइट, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर 80 मीटर आएगा, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, डी इज डॉटर ऑफ ए, डी इज डॉटर ऑफ ई, ए इज सन ऑफ डी, C is brother of A, C is brother of A, B is sister of A, F is brother of D, F is brother of D, हमें बताना है F related to B, तो देखना उसके अंकल लगे, right? उसकी मदर के ब्रदर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अ गर्ल सेड, बोलने वाली कौन है, गर्ल, इंट्रोड्यूस किसको किया जा रहा है, बॉय को, क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे गर्ल से, गर्ल कह रही है माई अंकल, तो वो पैटर्नल साइड भी हो सकता है मैटरनल भी, एक बार हम पैटर्नल साइड लेके चलते हैं, माई अंकल, माई अंकल के फादर, माई अंकल के फादर की डॉटर और उनका सन कौन है, ही, यानी कि वो बॉय, तो इस हिसाब से हाउ इज द बॉय, हु इज द बॉय टू द गर्ल, तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आया, हमारा रिलेशन आया कजन, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि वो मैटरनल साइड है, क्या कह रही है माई अंकल, तो गर्ल कह रही है माई अंकल यानी कि उसके मदर के ब्रदर, माई अंकल के फादर की डॉटर मीन्स उसकी मदर, उसका सन मीन्स उसका ब्रदर, ये कौन है, वो बॉय, तो हमें बताना है ये बॉय उसका क्या लगा, ब्रदर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, ये कह रहे ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी,
तो ए देखिए क्या लगी इसकी ग्रैंड मदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी टोल्ड मनी, सॉरी रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बेंच वॉज यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। देखिए क्या कह रही है, रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर। तो रीता क्या कह रही है, माई फ्रेंड, तो रीता का फ्रेंड कोई रिलेशन नहीं होगा, रीता का जो भी फ्रेंड है अभी हमें नहीं पता, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसकी मदर, मदर के ब्रदर इन लॉ, तो एक बार हम पैटर्नल साइड लेके चलेंगे, मींस उसके हस्बैंड के ब्रदर, उनकी डॉटर कौन है, वो लड़की जो गर्ल बीच पे है, ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीता फ्रेंड, तो रीता के फ्रेंड की क्या लगी, कजन, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजय हैज थ्री डॉटर, संजय के थ्री डॉटर्स है, ये हमने ले लिया संजय, इसकी थ्री डॉटर्स है, 1 2 3 एंड ईच डॉटर हैज ए ब्रदर। तो देखो ईच डॉटर हैज ए ब्रदर, ब्रदर तो उनका एक होगा ना, तो ये ब्रदर इसका भी है और इसका भी है और इसका भी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तीन ब्रदर लेंगे, एक ही ब्रदर होगा। तो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ये पूछ रहे हैं कि इस फैमिली में कितने मेल मेंबर है। तो देखो एक संजय हो गया और एक हमारा ये जो इनका ब्रदर है, तो टू मेल मेंबर्स हमारे इसमें आ जाएंगे, राइट। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग ऑन ए वॉल एंड फेसिंग वेस्ट, सबके सब कहाँ फेस किए हुए हैं, वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए ले लेते हैं हम क्वेश्चन, सबका फेस है वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स इधर पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग ऑन ए वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग वेस्ट। एस इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये कह रहे हैं एस, अभी हमें नहीं पता कौन कहां बैठा है, एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। चलिए जी ये लेफ्ट साइड हो गया ना, क्योंकि देखो इस तरफ फेस है तो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, तो एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। टी इज एन एक्सट्रीम एंड, ये कह रहे टी एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है नीचे की तरफ भी हो सकता है, राइट। तो इस तरफ भी हो सकता है और टी हमारा इधर भी हो सकता है, और क्यों उसका नेबर है, तो अगर हम इधर क्यों भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। आगे कह रहे वी इज बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में वी है, तो ये ऐसा इधर भी आ सकता है, एक बार टी क्यू हम इधर ले लेते हैं, टी क्यू, और वी इज बिटवीन क्यू एंड यू, इन दोनों के बीच में वी। एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड से 1 2 3 थर्ड पोजिशन पे कौन है, एस, तो इधर आर हो जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो उस तरफ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, केवल क्या आ जाएगा, टी क्यू वी यू। अब कौन बचा, पी, तो वो हम इधर लिख देंगे, अब जो भी क्वेश्चन पूछा हम सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में हो गया यू। आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है, पी एंड टी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, ये कह रहे हैं सीमा लेफ्ट में है रानी के, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इसके जस्ट लेफ्ट में हो, लेफ्ट डजंट मीन जस्ट लेफ्ट, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, सीमा के बारे में बात हो रही है, बिंदु के राइट में है। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी एंड रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो इधर कौन आ जाएगा, रानी और मैरी के बीच में रीता। तो हमें बताना है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता, रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, मैरी हमारा आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर लेडीज एंड फोर जेंट्स, यस क्या कह रहे हैं, फोर लेडीज, एक बार हम दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पर्सन है, सिमिलर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर लेडीज एंड फोर जेंट्स आर सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, नो टू लेडीज और जेंट्स आर सिटिंग साइड बाय साइड, मींस अगर इधर लेडीज हैं तो एक जेंट्स, एक लेडी एक जेंट्स, ठीक है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ना, सेम क्वेश्चन है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, ये कह रहे हैं सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी
ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी हम लिख देते हैं, और सी का फेस किसकी तरफ है, डी की तरफ। यहां तक बात क्लियर। आगे कह रहे एफ इज बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में कौन है, एफ, और इसका फेस जी की तरफ, तो इस तरफ तो नहीं ले सकते, एफ का फेस जी की तरफ है, तो इधर कौन आ जाएगा, एफ और इधर ए। सिमिलरली जी के अपोजिट एफ और इधर इस डायग्राम में आ जाएगा ए, राइट। अब ये कह रहे एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो एच इज टू द राइट ऑफ बी, इसमें एच इज टू द राइट ऑफ बी, ये दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ हो गई, इधर हमारे ए बी सी डी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, तो मीन्स हमारा कौन सा डायग्राम ठीक है, ए बी सी डी, ये वाला डायग्राम हमारा ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलिए जी। अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन है, जी एंड एच, एंड हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन है, एफ, डन। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, सिंपल था, तो रीजनिंग वाला पोर्शन बिल्कुल आसान था, कर लिया कंप्लीट हमने, ओके। तो हम कर रहे थे मई 22 जून अटेम्प्ट के लिए एमटीपी 2022, मार्च 22 का एमटीपी, यस। इसमें देखिए आप स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन, बिल्कुल सिंपल है स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट थ्योरी ही है। चलिए देखते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन, तो ये बताइए मीडियन हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व कर, राइट। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल, अब बताइए एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इन सबकी एडिशन कर देंगे हम, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, तो ये वैल्यू आ गई 90। एंगल फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड बाय 90 इंटू 360, 4 से मल्टीप्लाई 48, तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे सारे एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आप देखिए क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट। अब इसमें बताइए लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट कौन सा है, 35, एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट इज 12, इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए, तो 35 माइनस 12 देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 23। अब 23 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंगल चाहिए, तो 23 डिवाइड बाय 90 इंटू 360, सिंप्लीफाई किया 92 डिग्री, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहे हैं, इन ए स्टडिंग रिलेटिंग द लेबर, ये हाईलाइट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी टाइम टेकिंग है, और बाय चांस अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो कभी भी उसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, टाइम बचा तो कर लीजिए, नहीं टाइम बचता है तो उसको छोड़ाइए, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन ए स्टडी रिलेटिंग टू द लेबर ऑफ जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर फीमेल, यस देखिए 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर फीमेल, तो यहां हम दो कैटेगरी बना लेते हैं मेल एंड फीमेल। क्या कह रहे हैं, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर फीमेल, 20% फीमेल है मीन्स 80% मेल है, 40% ऑफ देम आर मैरिड, ये कह रहे हैं 40% उसमें से मैरिड है, 30 फीमेल वर्कर वर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल वर्कर 500 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो देखो यहां ये क्या कह रहे हैं, 600 इज 80%, ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन का 80% ये कह रहे हैं 600 मेंबर 600 पर्सन है, तो 1 कितना हो जाएगा 600 बाय 80, तो 100% देखिए कितनी वैल्यू आएगी, एक बार हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेट करने को वैल्यू, 600 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 750, तो ये हमारे पास टोटल मेल मेंबर आ गए हैं 750। हाँ जी यहाँ तक की बात क्लियर, मेल मेंबर हो गए हमारे पास 750, यहाँ एक बार लिख लेते हैं हम मेल मेंबर, सॉरी टोटल मेंबर 750, जिसमें से मेल हो जाएंगे हमारे पास 600 मेंबर एंड फीमेल 150, राइट। चलिए अब आगे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, इनमें जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है या
नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर। सिमिलरली हम इधर भी ले लेंगे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है और ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। इसमें इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है इसलिए हम इस तरीके से ले रहे हैं, अदरवाइज हम इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, टेबल की सब टेबल सब सब कॉलम्स आपकी इसमें बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 500 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, आउट ऑफ 600 मेल 500 आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो इसमें से 500 ट्रेड यूनियन के मेंबर है, तो यानी कि 100 ऐसे है जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है, राइट। आगे कह रहे 50% ऑफ मेल वर्कर आर मैरिड, 50% मैरिड है मींस 300, टोटल 600 का 300 मैरिड, तो टोटल मैरिड कितने हैं मेल, मैरिड मेल ये हमारे पास आ गया 300, एंड अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉय, तो नॉन मेंबर इसमें मैरिड ले लेते हैं एंड अनमैरिड, सिमिलरली मेंबर्स में मैरिड एंड अनमैरिड, ये कह रहे हैं अनमैरिड नॉन मेंबर मेल, नॉन मेंबर मैरिड अनमैरिड मेल 60, राइट, एंड विच फॉर्म 10% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय, जो कि टोटल का 10% है, तो 600 का 10% है। द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर, तो देखो लेडीज में भी जो टोटल इसमें भी मेंबर मेल मेंबर मैरिड एंड अनमैरिड, इसमें भी मेंबर मैरिड एंड अनमैरिड, ये कह रहे हैं जो अनमैरिड है, अनमैरिड 60, नॉन मेंबर है टोटल कितने एम्प्लॉय है 80, अगर 60 उसमें से मेल है मींस 20 फीमेल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन, ये बाद की बात है, चलो अभी हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल हुआ है, चलिए फिर से देखते हैं हम इस इंफॉर्मेशन को। 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय का 20% यानी कि 750 का 20%, तो एक बार 750 का हम 20% फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका 20% आ रहा है 150 फीमेल है, ये तो हो गया। 40% ऑफ देम आर मैरिड, अब इसमें से मैरिड कितनी है 40%, तो 150 का 40%, 150 का 40% यानी कि 60 मैरिड है फीमेल, 60 मैरिड है, राइट। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे कह रहे हैं 30 फीमेल वर्कर वर नॉट मेंबर ऑफ यूनिट यूनियन ट्रेड, नॉट ए मेंबर, टोटल 30 है यानी कि 10 मैरिड है, अब टोटल 60 मैरिड है यानी कि 50 इधर आ जाएगी जो मेंबर है, राइट। आगे देखिए कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल मेंबर 500 वर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, 500 मेल मेंबर हो गए, 50% ऑफ मेल वर्कर मैरिड है यानी कि 300 मैरिड है, अब यहां टोटल 60 है, राइट, और इधर टोटल मैरिड है 300, द अनमैरिड नॉन मेंबर मेल, अनमैरिड ये टोटल हमारे नॉन मेंबर 60 थे, तो 40 इधर आ जाएंगे, 40 अगर इधर है तो 260 इधर आ जाएंगे, और 500 माइनस 260 सॉल्व कर लेते हम, 500 माइनस 260 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 240 अनमैरिड, राइट, और इधर क्या बचा हमारा, टोटल 150 में से मैरिड 60 है तो मींस 90 अदर, तो ये इंफॉर्मेशन ये अगर फिल करें यहां आ जाएगा 70, तो ये 120 एंड ये वैल्यू आ गई हमारे पास 30, तो पूरा डाटा हो गया अवेलेबल। चलिए जी अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है मैरिड मेल, जो मैरिड है और मेल है नॉन मेंबर है, मैरिड मेल नॉन मेंबर 40 एंड मैरिड फीमेल नॉन मेंबर 10, ये रेशियो हमें चाहिए, 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हमने किया हुआ है, टेबलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉलम और सब कॉलम बना के करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। चलिए जी नेक्स्ट है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर ए नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 19 क्लास मार्क्स हमें फाइंड आउट करना है, 10 0 to 19 क्लास मार्क्स कैसे आता है
इन दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, 9.5 आंसर, तो 64 का हमारा हो गया सी आंसर. नेक्स्ट है ओपन एंड क्लासिफिकेशन, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? मीडियन. क्वार्टाइल्स हमें गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, Q3 माइनस Q1 बाय 2, यानी कि 65 माइनस 45 बाय 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10, राइट. 66 का ए आंसर. नेक्स्ट है एक्स और वाई का रिलेशन हमें दे रखा है, वाई की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा की वैल्यू 5 है, मीन की वैल्यू 10 है. वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसका लगेगा? वाई का, और मीन भी किसका लगेगा? वाई का. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई देखिए क्या हो जाएगा, केवल चेंज ऑफ स्केल होता है 10, वाई बार हो जाएगा 10 हमने पुट किया 25, और कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन के लिए सिग्मा बाय वाई बार इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 40%. डन. चलिए नेक्स्ट है फॉर ए मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह रहा है मीडियन किसके इक्वल है? मीडियन इज ट्वाइस ऑफ मीन. तो हमें कैलकुलेट करना है मोड इज डैश टाइम ऑफ दिस. हमें रिलेशन याद है मोड की वैल्यू किसके इक्वल है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन यानी कि 1 मीडियन, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 मीडियन. तो कितने टाइम हो जाएगा? 2 मीडियन के इक्वल. डन. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80 एंड ए ग्रुप ऑफ 70 कंबाइन एवरेज 76 गिवन है. अब देखो एन की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना, फॉर्मूला अपने को पता है कंबाइन मीन एन वन एक्स वन बार, तो 30 इंटू 80 प्लस एन इंटू 70 हो जाएगा डिवाइड बाय 30 प्लस एन, राइट. इसको सिंप्लीफाई करके हमारी एन की वैल्यू, तो गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज क्लोज मल्टीप्लाई 76 इंटू 30, 76 एन इधर हो जाएगा 2400 प्लस 70 एन, तो ये वैल्यू होगी 6 एन इज इक्वल टू 2400. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 76 इंटू 30 ये वैल्यू आ रही है 2280 माइनस 2400 120 आंसर. 6 एन की वैल्यू आ गई 120, तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द डेटा, मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, पहले 19 देन 36 इसके बाद 48 देन 56 66 72 87 एंड 91, 1 2 3 4 5 6 7 एट वैल्यूज है, तो मिडल मोस्ट आइटम का एवरेज, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे 56 प्लस 66 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आ रही है 56 प्लस 66 डिवाइड बाय 2, अपने पास आंसर आ गया 61. डन. नेक्स्ट है टू वेरिएबल ए एंड बी, इनका रिलेशन गिवन है तो अपने को पता है ना जीएम ऑफ सी किसके इक्वल होता है? जीएम ऑफ ए जीएम ऑफ बी. नेक्स्ट इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 50 20 एंड 25 सम ऑफ डेविएशन मीन, डायरेक्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है किसके इक्वल? 0. नेक्स्ट है मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट का हमें एवरेज गिवन है 110. आगे कह रहे हैं मीन ऑफ 5 ऑफ देम इज 100 एनदर 5 ऑफ देम 125, तो हमें रिमेनिंग 5 का एवरेज कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला हमें कंबाइंड मीन का पता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार. कंबाइंड वैल्यू आ रही है 110 इंटू 15 कर दें माइनस 5 इंटू 100, डायरेक्ट भी पता है ना आपको माइनस 5 इंटू 125 डिवाइड बाई 5, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर पे हमें डायरेक्ट सॉल्व करना आता है 110 इंटू 15 मेमरी प्लस 100 इंटू 5 मेमरी माइनस 125 इंटू 5 मेमरी माइनस MRC डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. चलिए ये हो गया 110 इंटू 15 मेमरी प्लस 100 इंटू 5 मेमरी माइनस 125 इंटू 5 मेमरी माइनस MRC डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू आ रही है 105. डन. चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 64, मीन्स ए प्लस बी बाई टू हमें दे रखा है 64, जी एम गिवन है 16, तो हमें फाइंड आउट करना एच एम की वैल्यू. एच एम की वैल्यू हमें डायरेक्ट रिलेशन भी पता है, जी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम. तो ऐसे भी कर सकते हो, जी एम स्क्वेयर यानी कि 16 स्क्वेयर डिवाइड बाई 64 कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी एच एम की वैल्यू. तो ये वैल्यू आ गई, 16 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा आ रहा है एच एम की वैल्यू 4. डन. रिग्रेशन कोफिशियंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ हॉरिजन, है ना, स्केल का इन पे इफेक्ट पड़ता है. इफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन होती है ये हमारी, नेगेटिव. कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरियंस की वैल्यू कैसी होगी, कोवेरियंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट. नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 0.81 हमारा आंसर, राइट, 78 भी. फॉर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है अंडर रूट समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर. तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1 इंटू इक्वल इंटू 0.15, 1 इंटू इक्वल इंटू 0.15 मेमरी प्लस, एक बार मेमरी में जो है वो कैंसिल कर दो पहले, 1 इंटू इक्वल इंटू 0.15 मेमरी प्लस, 2 इंटू इक्वल इंटू 0.25 मेमरी प्लस, 4 इंटू इक्वल इंटू 0.2 मेमरी प्लस, 5 इंटू इक्वल इंटू 0.3 मेमरी प्लस, 6 इंटू इक्वल इंटू 0.1 मेमरी प्लस एमआरसी. तो ये वैल्यू आ रही है 15.45. सिमिलरली हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की पी आई एक्स आई, मीन्स 1 इंटू 0.15 मेमरी प्लस, 2 इंटू 0.25 मेमरी प्लस, 4 इंटू 0.2 मेमरी प्लस, 5 इंटू 0.3 मेमरी प्लस, 6 इंटू 0.1 मेमरी प्लस एमआरसी. तो ये वैल्यू आ रही है 3.55. अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर और इसकी सब्रैक्शन 15.45. तो ये वैल्यू आ रही है 2.8475. अब इसका स्क्वायर रूट 2.8475, ये वैल्यू आ गई 1.69. डन. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यहाँ ए यूनियन आएगा, इसको ठीक करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4. हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. अब पता है ना हमें फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट. अब ए यूनियन बी, हाँ जी, ए यूनियन बी है हमारे पास, ए यूनियन बी है, कैसे आएगा, इंटरसेक्शन ए प्लस बी माइनस यूनियन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 1-3/4, इंटरसेक्शन आ गई 1/4. वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, अरे इधर 2/3 था, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई किया, इधर 3, एलसीएम कितना आया, 36 प्लस 40 माइनस 45, ये वैल्यू आ गई 31/60. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, ए बाय बी. ए बाय बी क्या हो जाएगा, 31/60, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 3/2. रिवर्स हो जाएगा, पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, 31/40, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 31/40, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.775. डन. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वैल्यू हमें दे रखी है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 6, देन वेरिएंस ऑफ वाई हमें फाइंड आउट करना है. ध्यान से समझना, वेरिएंस ऑफ वाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है, माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का एब्सोल्यूट. तो पॉजिटिव भी हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ही आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स.
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9 × 6। सिंप्लीफाई किया, ये 3 पे जा रहे हैं, 8/3 हमारा आंसर। डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई स्टैंड इन अ लाइन विद 6 अदर पीपल। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, 6 अदर पीपल और उनके बीच में हमारे 3 पर्सन हो और 3 पर्सन हो। तो देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि एक्स और वाई हमारा इधर आ सकता है, ये दोनों वैल्यू इधर, तो ऐसे ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 4 पॉसिबिलिटी। ये दो वैल्यू आपस में अरेंज हो सकती है 2 फैक्टोरियल, और ये 6 पर्सन आपस में 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय टोटल केसेस हमारे 8 फैक्टोरियल। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, 1/7 आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट है, 4 क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। हमें चाहिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, हेड का एक्सपेक्टेशन चाहिए। एक्सपेक्टेशन मीन्स एवरेज, कर लो फाइंड आउट। 4/16, 2/16, 12/16, इधर भी 12/16, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 4/16। 32/16 आ रहा है, 2 आंसर। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 क्वाइन है तो 50% चांस होते हैं, तो 2 टाइम हमारे हेड आने के चांसेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर ए रेन 0.4, एन अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न 400 पर डे इन केस ऑफ रेन, ऑन दैट डे वी लूज ₹100 इफ देयर इज नो रेन। अब रेन होने के चांसेस कितने हैं, एक्स आई फंक्शन हो गया 400, रेन होने के चांसेस 0.4। अब ये कह रहे हैं ₹100 चले जाएंगे, रेन ना होने के चांस कितने हैं 0.6। तो हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, 400 × 0.4, 400 × 0.4, ये वैल्यू आ गई 160। नेक्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये आ गया -60, तो 100 हमारा आंसर। इसका आंसर ठीक कर लेना, 84, हाँ ठीक है, यस डन। चलिए नेक्स्ट है, कोवेरियंस हमें दे रखा है, वेरियंसिस गिवन है, हमें कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए। कोवेरियंस डिवाइड बाय सिग्मा एक्स चाहिए, तो 5 × 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.4 / 30, ये आ गया 0.28। डन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इफ 6 क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली। 6 में से 3 हेड, हेड आने को ये सक्सेस कह रहा है, सक्सेस 3 टाइम, फेलियर भी हमारे 3 टाइम, तो ये वैल्यू आ गई 6/5, 4/3 × 6 हो जाएगा 1/2 की पावर 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल होके 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 5/16, 5/16, ये वैल्यू आ गई 0.3125। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ पाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन गिवन है 4, वेरियंस गिवन है 3, कैलकुलेट किया हमने वैल्यू, 4Q = 3, क्यू की वैल्यू आ गई 3/4, पी की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो एन की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 16। अब हमें क्या चाहिए, मोड कैलकुलेट करना है, तो n+1 × p होता है, तो 17/4, ये वैल्यू आ गई 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका 4 मोड आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन में क्या होता है, मीन और वेरियंस इक्वल, इफ एक्स हैज मीन ग्रेटर देन वेरियंस, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल। बाई पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन वेरिएट में 2 सक्सेस, e^-m, m^2/2 इज 3 टाइम 4 सक्सेस, e^-m, m^4/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, इधर कैंसिल, m^2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 है, इधर 4 को लिख सकते हैं ना, 4 × 3 = 2, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, m^2 की वैल्यू आ गई 4, m की वैल्यू आ गई 2, राइट। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि √m/√2। डन, सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। नेक्स्ट है, हमें मीन कैलकुलेट करने, ये तो हमें फॉर्मूले से ही पता है, 10 आंसर। डेविएशन आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, ये आपका आंसर आएगा मीडियन। यहां पर एब्सोल्यूट करो, एब्सोल्यूट डेविएशन मीन से लेने, मीडियन से लेने पे मिनिमम होता है। वैसे अगर आप डेविएशन लेते हो तो मीन से मिनिमम होगा ना, क्योंकि वैल्यू आपकी 0 आ रही है, राइट। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन, हिस्टोग्राम किस लिए काम आता है, मोड को कैलकुलेट करने के लिए।
एक्स और वाई इससे रिलेशन दे रखा है, क्वार्टल डेविएशन ऑफ एक्स इज 12, क्वार्टल डेविएशन ऑफ वाई चाहिए, तो अपने को पता है ना स्लोप का इफेक्ट पड़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो माइनस ए बाई बी इंटू 12, ये फॉर्म गिवन हो तो क्या होता है माइनस ए बाई बी। सिंप्लीफाई किया हमने, ये वैल्यू आ गई 9। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 टेकिंग 2011 एट बेस ईयर, तो ये हो गया हमारा पी नॉट, ये वैल्यू पी वन। हमें फाइंड आउट करना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, क्या होता है पी वन बाई पी नॉट इंटू 100, तो सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करते चलेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास पी वन बाई पी नॉट इंटू 100, यानी कि 125 डिवाइड बाय 115, मेमोरी प्लस 117 डिवाइड बाय 108 मेमोरी प्लस 108 डिवाइड बाय 95 मेमोरी प्लस 95 डिवाइड बाय 80 मेमोरी प्लस 95 डिवाइड बाय 90 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये वैल्यू आ रही है 111.0, तो 111 आंसर, डन। ओके नेक्स्ट देखिए, सपोज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव आर अर्निंग रुपीज दिस, बेस पीरियड में उसकी अर्निंग गिवन है 2050 और बेस ईयर में हमारा इंडेक्स हो जाएगा 100 और अब इंडेक्स देखिए कितना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 3544 डिवाइड बाय 25, तो ये वैल्यू आ रही है आपका इंडेक्स 141.76। तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2050, तो इंटू 2050 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ रही है 2906, डन। नेक्स्ट देखिए 98 क्वेश्चन, फाइंड द पास्चे इंडेक्स नंबर फॉर प्राइसेस, ये पी नॉट क्यू नॉट पी वन क्यू वन। पास्चे इंडेक्स क्या कहता है, करंट ईयर क्वांटिटी एज ए बेस, तो पी वन बाय पी नॉट करंट ईयर क्वांटिटी एज ए वेट इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा पास्चे इंडेक्स। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पी वन क्यू वन मीन्स 15 40 60, ये वैल्यू आ गई 115। पी नॉट क्यू वन पी नॉट क्यू वन, ये वैल्यू आ रही है 5 15 24, सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई 44, वैल्यू पुट कर दी 115 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको 115 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 261.36, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन, किसमें काम आते हैं, फ्रेमिंग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, इसमें भी हेल्पफुल होते हैं, रिवीलिंग ट्रेंड, फोरकास्टिंग, आइडेंटिफाइंग एरर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एरर आइडेंटिफाई में काम नहीं आते हैं। नेक्स्ट है वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ कॉमोडिटी, एंड वेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इन द बेस ईयर, बेस ईयर अगर हमारा वेट है कौन से फॉर्मूले में होता है, लेस्पेरे फॉर्मूले में, डन। चलिए जी स्टेटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गया, आसान था एमटीपी, तो एमटीपी से आप ये मत सोचिएगा एग्जाम भी इतना आसान होगा, बस इसकी रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन के लिए ओके है कि सारे टॉपिक आपके हो गए हैं, बट एग्जाम इतना सिंपल नहीं होता है। आप मान के चलो कि ये सारे टॉपिक आपको बस एक बार ये हो गया कि बेसिक लेवल से आप लोगों ने रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, एग्जाम के लिए थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक बार हमारे टॉपिक सारे हो गए हैं, ठीक है। चलिए जी ऑल द बेस्ट, ओके।